साइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें हमसे बोला गया है, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पार्क है और उसमें एक स्लाइड है, ठीक है, और उस स्लाइड की एक तरफ की दीवार को पेंट किया गया है और उसके ऊपर कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन ये लिख दिया गया है, ठीक है। और जो वो स्लाइड की जो दीवार है जिस पर पेंट किया गया है वो ट्रायंगुलर शेप की है, क्योंकि जब स्लाइड है तो ट्रायंगुलर शेप की होगी, ठीक है। तो जिस दीवार को पेंट किया गया है उसकी मेजरमेंट 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो हमें वो एरिया निकालना है जहाँ पर पेंट किया गया है कलर से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले फिगर बनानी है, एक ट्रायंगुलर जो है एरिया बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उसी को बना लेते हैं। देखिए एक स्लाइड की एक दीवार है, एक तरफ की दीवार है, ठीक है, और जिसकी जो मेज़रमेंट है वो मान लीजिए 11 मीटर है और ये कितना है, ये मान लीजिए हमने जो है 6 मीटर ले लिया और ये 15 मीटर ले लिया इसको, ठीक है। तो जो है अब इसको क्या करना है, इसको पेंट किया जाना है। पेंट करने के बाद इस पर ये चीज़ यानी कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिख देना है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इसका जो है एरिया कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये मालूम है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए देखेंगे। तो ए इसका कितना है, ए आ जाएगा 11 मीटर और जो बी है वो कितना आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है, और जो सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 6 मीटर। तो आप एस निकालेंगे, एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन 2 होगा। एस इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस 15 और प्लस 6 और अपॉन 2, ठीक है। तो एस कितना आ जाएगा, 11 और 15 26 और 6 कितने आ जाएंगे 32 और अपॉन 2, 2 से ही कितनी बार कट जाएगा 16 टाइम, तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16, ठीक है। जब हम क्या करेंगे आगे इसको, अब एस भी निकल चुका है, तो द रिक्वायर्ड एरिया का मतलब जो एरिया हमें निकालना है वो लिख सकते हैं या डिटेल में लिख सकते हैं, इसको कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है इसमें, है ना। अब आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो हमारे पास अब जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, और इंटू 16 माइनस ए कितना था 11, और 16 माइनस बी कितना था हमारे पास 15, और 16 माइनस सी कितना था हमारे पास 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक ही आ चुका था, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो 16 है 16 को ऐसे ही रखेंगे, 16 में से 11 जाता है तो 5 बचेगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, और इंटू 16 में से 6 जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब जी जिसके फैक्टर हो सकते हैं उसके फैक्टर कर लेंगे, तो 16 के फैक्टर 2 into 2 into 2 into 2 होते हैं, और 5 के फैक्टर 5 ही होते हैं, और 1 को हम मल्टीप्लाई से हटा सकते हैं तो हटा देंगे इसको, 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से जब चीज़ें निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का पेयर बनना है, इस 2 का पेयर बनना है, तो इस पेयर में से बाहर एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, और 5 भी 2 टाइम है तो 5 भी एक बार आ जाएगा। अब रूट के अंदर बचेगा ओनली ये वाला 2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना है। 2 2 जा 4 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो वो दीवार आ गई जिस पर पेंट किया गया है वो उसका एरिया कितना है, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है।